गुरुवार को गोरखपुर क्लब में भारतीय जनता पार्टी सेक्टर प्रवासी बैठक के दौरान पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक और रचनात्मक की मजबूती के लिए पार्टी के विभिन्न बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें अब तक कई क्षेत्रों में बैठक कर पार्टी की रचनात्मक और संगठनात्मक को मजबूती का काम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को भी सेक्टर प्रवासी नियुक्त किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव करीब है, पार्टी के प्रत्याशियों को 100% जीत हासिल हो इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैद है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता के एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि सपा सरकार के राज में कैंपियरगंज के दो प्राथमिक विद्यालयों का नाम बदलकर इस्लामिक प्राथमिक विद्यालय कर दिया गया था, जिसे योगी सरकार ने भेदभाव को खत्म करते हुए प्राथमिक विद्यालय के आगे लिखा इस्लामिक शब्द हटा दिया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मैं गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक संरचना को दुरुस्त करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और उसके दृष्टि से हमारे सभी 6 क्षेत्रों में बैठकें हो चुकी हैं। कल गोरखपुर क्षेत्र की बैठक कसिया में हुई थी। हमारे क्षेत्र के प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी बैठक में थे और हम लोगों ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं या छोटे स्तर कार्यकर्ता हैं या बड़े स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने एक सेक्टर का प्रवासी बनाया है और इसलिए गोरखपुर ज़िले में भी, पूरे प्रदेश का में चल रहा है, गोरखपुर ज़िले में भी कुल 265 सेक्टर गोरखपुर ज़िले के हैं और गोरखपुर महानगर के 70 सेक्टर हैं, तो 70 वार्ड हैं। इन सब कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आज गोरखपुर में आहूत की गई है, जो सभी सेक्टरों में एक एक प्रवासी के रूप में अब से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक उस सेक्टर में जितने हमारे बूथ हैं, निचले स्तर पर हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर नीचे जाना हो या हमारे संगठन सिस्टम को ठीक करना हो, सब दृष्टि से वो सेक्टर प्रवासी के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं और उन सब प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसको हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज संबोधित करेंगे। क्या 2019 के चुनाव की तैयारी को ये माना जा रहा है? निश्चित रूप से हम लोग, ये हमारे संगठन का सिस्टम है, हम अपने संगठन के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारे संगठन का ढांचा ठीक हो ताकि हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको नीचे तक हम ले जा सकें और अपने संगठन के ढांचे को भी दुरुस्त कर सकें, उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इन सरकारों का चरित्र धीरे धीरे उजागर हो रहा है कि कई जिलों में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और जैसे उजागर हो रहा है वैसे हमारे प्रदेश की सरकार ने तुरंत इसको एक्शन लेकर के और उन सबको नाम बदलवाने का कार्य किया है। ये सरकारों, पिछली सरकारों के चरित्र का ये उजागर होना, किस प्रकार की मानसिकता के, इस प्रकार के सरकारी विद्यालयों में भी इस प्रकार के, अगर हम कोई भेदभाव नहीं करते, हमारे केंद्र सरकार और मोदी जी और योगी जी का मानना सबका साथ सबका विकास, अगर एक वर्ग बाहुल्य का कोई गांव है तो उस गांव में हम इस्लामिया के नाम पर से विद्यालय खोलते हैं, ये दूसरे प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है और इसलिए सब चीज़ें ठीक होगी, धीरे धीरे चीज़ें उजागर होंगी और उसको समाप्त किया जाएगा।